हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सारी तैयारियां हो गई हैं, किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, ना ही बर्दाश्त की जाएगी। 11 बजे बच्चा एम्यूजमेंट पार्क में आ जाएगा। यह है प्रतीक, इसके साथ एक आदमी भी होगा, इसका नाम है विष्णु। बच्चा ठीक 11:10 पर हॉरर हाउस में एंटर करेगा। अगर कोई बीच में आया तो मार देना। ग्यारह बज गए। बच्चा आ गया है और वो आदमी भी। सब के सब तैयार हो जाओ। बोलो, ये पहना था है? ये शंकर, क्या मैं इधर उधर भाग सकता हूँ? बिल्कुल भाग सकते हो, बचपन होता ही इसलिए है। जिस काम में खुशी मिले वही करना चाहिए। अब मैं जाऊँ? अरे रुको, इससे ज्यादा दूर मत जाना। बोलो, मैं जाऊंगा अंकल। ओए, अंकल को भगाने में लगा है? प्रतीक, अरे प्रतीक, ग्यारह बज के 10 मिनट, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। बच्चा आ गया। बद्री, बद्री घुस जा अंदर और उस आदमी को अलग कर। ए, कितना भगाओगे? पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। अंकल जाने दो ना। अंकल, अंकल यार चले। नहीं बेटा, हॉरर हाउस बड़ी खतरनाक जगह होती है। क्यों अंकल, आपको डर लगता है? हाँ, मुझे तो डर लगता है। मैं तो जाऊंगा। अरे प्रतीक, कहाँ जा रहे हो? अरे सर, आप पहचाना नहीं? नहीं। आप सतगिरी साहब हो ना? कौन सतगिरी? क्या साहब, कितने बार आपको टीवी पे देखा है, क्या एक्टिंग करते हो आप। सही, 11:13, बच्चा अंदर गया। सब के सब रेडी हो जाओ। सर अजीब बात कर रहे हैं, मैं तो बाथरूम में एक्टिंग नहीं की कभी। प्रतीक, 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 हॉरर हाउस में तो नहीं गया? प्रतीक, 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 अंकल, कहो, अंकल बचाओ मुझे, प्रतीक, प्रतीक, अंकल बचाओ मुझे, अंकल, ए, कौन है तुम?
प्रतीक। सर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसे ऐसे कैसे कोई किडनैप कर सकता है? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। देखिए अब आप शांत हो जाइए, हम लोग आ गए, हम लोग देखते हैं। सर एक बाप शांत कैसे रह सकता है? सर देखिए पहले समझने तो दीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं हूँ सर, मैं ही यहाँ का ओनर हूँ। ये अम्यूजमेंट पार्क मेरा है, मैंने आपको फोन किया था। बच्चा किडनैप कहाँ से हुआ? वो वहाँ अंदर से, हॉरर हाउस से। वहाँ से हॉरर हाउस से? निखिल पूर्वी अंदर जाके अच्छी तरह से चेक करो। वैसे बच्चा किसके साथ था जब ये हुआ? सर मेरे साथ था। आप लगते क्या है बच्चे के? उसके चाचा ही समझे। मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताइए। सर मेरा नाम विष्णु शर्मा है और मैं रमेश भाई का दोस्त हूं। करते क्या हैं आप? सर मैं एक मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं? जी सर। फिर भी एक बच्चा हाथ से निकल गया आपके। एग्जैक्टली हुआ क्या यहां पर विष्णु जी? सर वो लाइट कितनी देर के लिए गई थी? सर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। अच्छा विष्णु जी उन लोगों को तो देखा होगा ना आपने? नहीं नहीं सर, अंधेरा बहुत था। ओ ये लो, अंधेरा बहुत था। तुम यहां सिक्योरिटी गार्ड हो है ना? जी साहब। उन लोगों को रोका क्यों नहीं? साहब वो गेट से निकलते तो रोकते ना, यहां गेट से कोई किडनैपर निकला ही नहीं साहब। हमने अंदर सब जगह देख लिया, प्रतीक कहीं नहीं मिला। तो क्या हवा में गायब हो गए वो? क्या जमीन निकल गई? एक ही गेट है ना यहाँ पर। साहब इस बात से तो हम भी हैरान हैं। आपको कोई फोन होना आया था पैसे के लिए? नहीं सर अभी तक तो नहीं। हेलो क्या? ये प्रतीक नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है सर। रमेश जी आप अभी घर जाइए, हम आपके बेटे को जरूर ढूंढ के लाएंगे। पूरी तरह डैमेज हो गया, लाश की शिनाख्त करवाना थोड़ा मुश्किल है। वो जगह गोली मारी है सर, सूट तो बहुत महंगा पहना हुआ है, लगता है कोई बड़े घर का है। काफी महंगी घड़ी है, चेन अंगूठी, मैं तो कोई बड़ा ही आदमी। सर इसके पास तो वॉलेट भी नहीं है, कहीं ये खून लूट के लिए तो नहीं किया गया? लूट के लिए नहीं लगता पंकज, नहीं तो ये घड़ी चेन अंगूठियां ये सब थोड़ी ना छोड़ता। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा, किसी को लाश पानी में डालते हुए या भागते हुए? नहीं साहब, सुबह हम लोग यहाँ नहाने को आए, देखा तो ये पानी के अंदर ये लाश पड़ी थी, उसके बाद हम लोग ने आपको फोन किया। पंकज जरा मिसिंग रिपोर्ट से पता करो, किसी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या किसी अमीर आदमी की? इस आदमी की उम्र 30 से 35 साल है और इसकी मौत को 3-4 दिन हो चुके हैं। इसका चेहरा बन सकता है क्या? पता कर सकते हैं कैसा दिखता होगा? हाँ तारिका बना रही है। ओह
फिर तो बन जाएगा। अरे सर, आप तो रूठ जाते हैं बच्चों के तरीके से। मेरे कहने का मतलब है, आपकी असिस्टेंट है, आपने सिखाया होगा तो बना ही लेगी, क्यों? सर आपको कुछ और पता चला हो तो बताइए ना। मुझसे कह रहा ना? जी जी, आपसे। ये बाल मिले हैं। बाल? हाँ हाँ पूर्वी, ये कुत्ते के, बिल्ली के, खरगोश के बाल। रविजीत, ये बाल मुझे इस आदमी के कपड़ों पर से मिले हैं। जानवर के बाल इनके कपड़ों से? हाँ। मतलब सर? मतलब ये आदमी किसी ऐसी जगह रहता होगा या काम करता होगा जहाँ पे आसपास जानवर होंगे, क्यों सर? सर हो सकता है ये किसी पेट शॉप का ओनर हो। हाँ हो सकता है, या फिर जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, और ये भी हो सकता है किसी संस्था के साथ मिलकर एनिमल वेलफेयर के लिए सोशल वर्क करता। हाँ अभिजीत, ये हो सकता है। सर बन गया जय। जी सर, देखा है, ये तो एकदम अमन सर की तरह दिखता है। अमन? क्या ये अमन यहाँ पर काम करता है? नहीं सर, ये तो वॉलंटियर की तरह काम करते हैं, बहुत भले इंसान। अच्छा, रहता कहाँ ये अमन? आप इन्हें पहचानती हैं? जी हाँ ऑफिसर, ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड अमन का फोटो है। सब ठीक तो है ना? क्यों पूछ रहे हैं आप? बोलिए ऑफिसर। और आप उनके स्केच के साथ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? हाँ देखिए मैम, एक कैसे बताऊं आपको, एक बुरी खबर है। तोनार लेक में हमें एक आदमी की लाश मिली है, वो लाश आपके पति अमन की ही है। मैडम, मैडम प्लीज। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। प्लीज मैडम, हम इन चार दिन से तो अपने काम के सिलसिले में बाहर हैं, जब यहाँ है ही नहीं तो उनकी बॉडी कैसे मिल सकती है यहाँ पर? नहीं हो सकता ऐसा। क्या अमन जी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? मेरा मतलब है, क्या उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, अमन तो बहुत हंसमुख इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई। हाय नीता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? और ये लोग कौन है? ये सीआईडी से कह रहे थे लाश मिली है तो नार लेक के पास, लगा कि वो लाश तुम्हारी है। What? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये लोग बिना जांचे कुछ भी बोल देते हैं। एक जिंदा इंसान को लाश बना दिया। सॉरी अमन जी, पर लगता हमसे कोई भूल हुई है। सर चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर अमन जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी है जो फोरेंसिक में है? वही तो, वो लाश किसकी है? प्रतीक के घर में जितने भी लोग हैं, एक एक के ऊपर कड़ी नजर रखो। हाँ उस विष्णु पर भी कड़ी नजर रखो। हाँ मैंने किडनैपर को सब कुछ पता चल गया था पहले से, इसका एक ही मतलब है कि उस घर वालों में से कोई एक है जो
किडनैपिंग में शामिल है। हाँ ओके ओके चल फेल हो गया। अपना बोरिया भी सरा बांध और हरिद्वार निकल ले। मैंने कोई गलती नहीं की है बॉस। ये लो। आई एम सॉरी सर, इस बार आपका निशाना चूक गया सर। देख फ्रेडी, ये साइंस की बात है, तेरी समझ में नहीं आएगी। ये फाइल देखो बॉस, ये डीएनए रिपोर्ट, दिमाग खुल जाएगा। ये लाश का और अमन का डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल और 100% मैच करती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। डीएनए रिपोर्ट कभी धोखा दे ही नहीं सकती। लाश का और अमन का डीएनए एक कैसे हो सकता है? सर ये बात तो समझ के बाहर है सर, लाश अमन के क्लोन की तो हो नहीं सकती है। और सर अमन ने अपने किसी जुड़वा भाई का जिक्र भी नहीं किया। हाँ सर, उसने कहा था कि उसकी माँ जन्म के समय ही मर गई थी और उसे पालने वाले भी कोई और थे। अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन का कोई जुड़वा भाई है लेकिन अमन उसके बारे में जानता नहीं? हाँ हो सकता है सर, जुड़वा भाई का डीएनए तो सेम ही होता है। पूरी काम करो, इस अमन के बारे में पता लगाओ ये कब पैदा हुआ था और कहाँ पैदा हुआ था। सर अमन का जुड़वा भाई है, विनोद नाम है उसका और वो शीतल नगर में रहता है। घर में कोई नहीं है, चलो ढूंढते हैं घर को अच्छी तरह से। सर ये ब्रीफकेस मिला है सर, यहाँ पे छुपा के रखा था। लॉक्ड है, छुपा के रखा था इस बैग को। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा क्या है इस बैग में जो छुपा के रखा है। सर ब्रीफकेस खुल गया। क्या मिला ब्रीफकेस में? सर ये देखिए। नक्शा है अभी, रेलवे का नक्शा। यहाँ पे ट्रेन का नंबर और नाम लिखा हुआ है डेन टेंपल मेल। और ये सर डेन टेंपल मेल का टाइम टेबल, कहाँ से कहाँ तक चलती है और किन किन स्टेशंस पर रुकती है, सारी डिटेल्स है इसमें। मुंबई से दिल्ली तक की ट्रेन है सर। ये क्या है? खास निशान बनाया है इधर, लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है या फिर होने वाला है। और सर ये जो डब्बा मिला है इस ब्रीफकेस में, ये खाली पड़ा है सर। कुछ अजीब सी स्मेल है सर। जो भी चीज थी वो निकाल ली गई है, शायद इसी चीज के लिए विनोद का खून हुआ है। हो सकता है अभिजीत, जरूर हो सकता है, पर क्या क्या था इस डिब्बे में, क्या था?
आप पार्क में घूम रहे हैं इतनी धूप में? घर का ऐसी खराब हो गया क्या? वो ऐसा है कि वो घर में घुटन सी हो रही थी, अस्थमा है ना। हाँ, खुली हवा में अच्छा लगता है। होता है। हवा खाना और हवालात में जाना, दोनों में बहुत मजा आता है। वो सर मुझे बहुत जोर से, हाँ लगती है ऐसे टाइम पे, लगती है बहुत जोर से लगती है। मैं जाओ सर? हाँ जाओ प्लीज। थैंक यू। ये नरेश बाबू, सच सच बता दो वरना हमें सच उगलवाना आता है। ये पैसे आपको किसने और क्यों दिए? ये पैसे, ये तो मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, और प्रतीक? प्रतीक कहाँ है? प्रतीक सर, प्रतीक मुझे कैसे मालूम होगा सर प्रतीक कहाँ है? ऐसा ही बोला था, आज सुबह ये दोनों एक आदमी से पूछ रहे थे, उसने यही बोला था मुझे नहीं मालूम। तो पता नहीं थोड़ी देर के बाद देखा तो ये वाला हाथ टूट गया, बहुत चिल्ला रहा था। टूट गया? हाँ टूट गया। तो देखो जल्दी याद आ जाए तो अच्छा है आपके लिए। पूछो भाई, इनकी याद दिलाने में थोड़ी मदद करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए। सुनिए सर, सर सर एक मिनट सर, सर याद आ गया? हाँ। कहाँ है प्रतीक? प्रतीक के बारे में मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा सर कि प्रतीक को किडनैप करने में उनको मदद करो, प्रतीक के बारे में उन्हें कुछ बताओ, तो वो लोग मुझे पैसे देने वाले थे सर। पैसों के लिए एक मासूम की जान खतरे में डाल दी तुमने? क्या कर सकते सर, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी सर, करोड़ों रुपए चुकाने थे, तो रमेश से मदद भी मांगी सर, उसने तो साफ मना कर दिया सर। तो उसके बच्चे को ही बेच दिया, ये भी नहीं सोचा कि प्रतीक की जान जा सकती है? नहीं सर, उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रतीक को कुछ नहीं करेंगे, जान से नहीं मारेंगे सर। कौन है बोलो, तुम्हें कैसे जानते हैं, कहाँ मिलेंगे? वो कौन है? कौन? नहीं मालूम सर, वो हमेशा वो मास्क पहनते थे सर, और मैंने उन्हें अरे क्या कर रहा है ए? वो लोग अरे देख रहे हो? अरे नरेश इसकी हालत खराब लग रही है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नरेश अरे जी सर, इनकी तनाव बंद हो गई, मौत हो गई इनकी। ये जल्दी क्या हो गया? बस क्या हुआ, तू हवा में क्यों उड़ रहा है? यार जब एक बार सॉलिड सुराग हाथ में लग जाए ना, इधर उधर नहीं भटकता मैं। बस उन करेंसी नोटों पर जहर लगा हुआ है। क्या सालू के साहब, ये जहर अंदर गया कैसे? अरे यार बाय गॉड, मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूंगा। अरे सालू के साहब एक मिनट, रेडी? जब यार हम लोग नोट गिनते हैं तो तूक लगता है ना। आप इसकी छोड़ो, आप ये बताओ नरेश के घर से हमें जो प्रतीक का बैग मिला था, स्कूल बैग, उससे कुछ पता चला आपको? पता तो चला है, लेकिन जो पता चला उसे तुम लोग मानोगे नहीं। यार बता तो सही। बस उस बैग पर खून के ट्रेसेस मिले हैं। किसका खून जान के? विनोद का खून। विनोद के खून के निशान? विनोद तो 4 दिन पहले मर चुका है, तो फिर उसके खून के निशान प्रतीक के बैग पे कैसे आए? हाँ सर, और प्रतीक का तो कल किडनैप हुआ। प्रतीक की किडनैपिंग और विनोद का खून, ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर विनोद के ब्रीफकेस में जो ट्रेन का नक्शा मिला था, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस का? जी सर। सर वो ट्रेन कुछ दिन पहले लेट हो गई थी। क्या वजह थी? सर वजह ये थी कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, और ये एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था। उसी जगह पे हुआ था जहाँ पे नक्शे में निशान लगा हुआ था, है ना? नक्शे में निशान लगने का मतलब ही यही है कि उस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली थी। मतलब सर ये एक्सीडेंट विनोद नहीं करवाया होगा। और क्या,
लेकिन सर इस एक्सीडेंट से विनोद को क्या फायदा हो सकता है? शायद वो ट्रेन लूटना चाहता होगा। एक्सीडेंट इसलिए किया गया था कि उस ट्रेन में कोई गलत चीज या फिर कोई गलत सामान होगा, और विनोद ये सामान उस ट्रेन से ले जा रहा होगा। अभिजीत, मुझे तो लगता है ये विनोद किसी गैंग के लिए काम करता था, किसी गैंग के लिए। यस सर। अच्छा पूर्वी, ये स्टेशन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी फुटेज मिली तुमको? हाँ सर, इस सीडी में। लगा। अभिजीत, क्या आपने ब्रीफकेस देखो? ये वही ब्रीफकेस है ना जो विनोद के घर से मिला था? हाँ सर, ये तो वही ब्रीफकेस है। सर, इसका हाथ देखा आपने? हाँ, ये अमन का हाथ है। अमन का। सर, अमन ने हमसे झूठ बोला? अमन और विनोद दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। अमन ने विनोद के कपड़े पहने हुए हैं और विनोद का काम अमन कर रहा है। अमन, उठाओ इस अमन को। हेलो सर, सर मैं विष्णु बोल रहा हूँ। सर कुछ बताना था आपको। सर 10 दिन पहले एक आदमी प्रतीक से टकराया था, काफी घायल था, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, और उसके 2-3 दिन बाद वो फिर प्रतीक के आसपास मंडराता हुआ दिखा था। सर मैं काफी दिनों से इसके पीछे हूँ, ये JD बस स्टॉप पे है, मुझे लग रहा है शहर छोड़ के भाग रहा है। जी सर, आप आ जाइए, मैं देखता हूँ सर। ओके सर। भाई साहब, ओ भाई साहब, पहचाना? नहीं, सॉरी। उस दिन मॉल में मिले थे? मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, बात तो सुनिए। क्या अजीब आदमी है आप, मेरी बस आ गई है, मुझे जाना है। प्रतीक कहाँ है? कौन प्रतीक, किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे पता है तुमने प्रतीक को किडनैप किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी सब पता लग जाएगा, CID आ ही रही है। आइए आइए। अरे रुकिए, अरे मुझे छोड़ो। अरे आओ, रुको। अरे लेकिन, अरे रुको, कि मेरी बस जा रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? जाने थोड़ा दूंगा अभी तुमको। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे CID आ रही है, अभी सब पता चल जाएगा। अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हीं ने किडनैप किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे गोली भाई साहब, भाई साहब, विष्णु क्या हुआ? किसी ने गोली चलाई है सर। गोली किसने चलाई? पता नहीं सर। कहाँ है? देखो आसपास। अरे ये तो अमन है, इसी की तो तलाश थी हमें। जिंदा है, हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। इसम की कंडीशन अब ठीक है। अच्छा, हम बात कर सकते हैं उनसे? जरूर। थैंक यू वेरी मच। अमन, अमन, मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो हमने अभी अभी डॉक्टर साहब के साथ भी बात कर ली, जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी जान को खतरा है। क्या? मैं गलती से जिन लोगों से छोड़ गया हूँ, वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। कौन? हाँ? कौन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बताओ हमें अमन। देखो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ दिन पहले मुझे विनोद मिला था, मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरा जुड़वा भाई मिला है। फिर क्या हुआ? विनोद ने मुझसे कहा कि मैं उसकी काम में मदद करूं। काम सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट? मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था सर,
नहीं करना चाहिए था मुझे वो काम। जिस दिन आप घर पे स्केच लेकर आए थे, मैं तभी समझ गया था कि विनोद का मर्डर हो गया। वो डेड बॉडी उसी की है। और अब मुझे भी डर लगने लगा था कि अगला नंबर मेरा ही होगा सर। मगर है कौन वो, बताओ जल्दी अमन, है कौन वो? मुझे बचाइए सर। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचाइए सर, मुझे कुछ हो रहा है। माय गॉड, जल्दी। अमन की मौत हुई कैसे सारण? उसका खून हुआ है बस, बिना किसी बुलेट के, बिना किसी हथियार के। मैग्नेट मतलब? एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट से उसका खून हुआ। डॉक्टर साहब, हमने कमरे को अच्छे तरीके से चेक किया, दीवार पे जाके देखा, लेकिन वहां पे तो कोई मैग्नेट जैसी चीज मिली नहीं। कमरे के बाहर या कमरे के अंदर, वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड तैयार की गई। अमन की खोपड़ी में एक प्लेट लगाई गई थी, कुछ सालों पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी खोपड़ी में जो प्लेट लगी हुई थी वो खींच करके बाहर आने लगी। उसके नाक और कान में से खून बहने लगा, उसका दिमाग का हलवा बन गया और वो वहीं मर गया। और वो अमन मरने से पहले अपने बाएं हाथ की तरफ इशारा कर रहा था, उसका क्या कुछ पता चला? हाँ, उसके बाएं हाथ में मुझे ये चिप मिली। ZB फैक्ट्री। सर, यहां से इन लोगों को क्या मिलने वाला है? STX। My God। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी का याद है, जब मिनटों में हजारों लोग मर गए थे? बस ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या? एक सांस भी अंदर गई तो इंसान वहीं का वहीं मर जाएगा, उठेगा ही नहीं। मतलब बॉम्ब काम नहीं कर रहे हैं तो ये आतंकवादी गैस से मारना चाहते हैं लोगों को, गैस से। मगर भूल रहे वो कि हम अब भी जिंदा हैं। सर, मैं भी चलूंगा सर आपके साथ। नहीं विष्णु, तुम अंदर नहीं जा सकते। सर, मैंने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है, 2-3 से तो बैठ जाऊंगा सर। हमारा डिपार्टमेंट इसकी इजाजत नहीं देता, अंदर खतरा है, हम किसी नागरिक की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर, प्रतीक मेरे सामने किडनैप हुआ था, वो मेरे बेटे जैसा है, जब तक तो उसे बचा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा सर। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन हम पे भरोसा रखो, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे लेकिन प्रतीक को कुछ नहीं होने देंगे, ये वादा है। ठीक।
सबको पकड़ें क्या? नहीं, पहले प्रतीक को ढूंढना जरूरी है, उसकी जान खतरे में है। क्या तुम्हारे साथ है? ठीक है सर, प्रतीक को विष्णु ने बचा लिया है और वो उसके साथ बिल्कुल सुरक्षित है। उसको मना किया था अंदर आने के लिए। खैर, अच्छा किया उसने। सर अब क्या करें? आप क्या खेल शुरू करते हैं? चलो भाई, यहाँ का काम तो हो गया, अगर बच्चे को लेकर गलती मारते। चलो कहाँ जा रहे हो? ससुराल है? जल्दी से एसटीएक्स को बाहर निकालने का इंतजाम करो और पूछो सालों के हिसाब से क्या करना है इसका। सर हरी अब जल्दी। बस खेल खत्म हो गया, मुखड़ा तो दिखाओ अपना। ये अम्यूजमेंट पार्क मेरा, मैंने आपको फोन किया था। रंजीत बाबू, अम्यूजमेंट पार्क के पीछे ये धंधा है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा था तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। भले ही थोड़ी देर कर दी हमने, लेकिन अंधेर नहीं होने देंगे हम, समझे? अंधेर तो हो गया है, जहरीली गैस अब रिलीज हो चुकी है। तुम क्या, कोई भी अब लोगों की जानें बचा नहीं सकता। सिर्फ 5 मिनट है, इस 5 मिनट में सारा शहर तबाह हो जाएगा। तुम्हारे जैसे बीमार आदमी का इरादा कभी कामयाब नहीं होगा, वो जहरीली गैस हम रोकेंगे। मॉनिटर पे स्टेटस दिखाना चाहिए। दो % गैस रिलीज हो चुकी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर 5% से ज्यादा गैस रिलीज हो जाएगी तो तबाही मच जाएगी और गैस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पासवर्ड मांग रहे हैं। देखो सचिन, कोई और तरीका है क्या? चल सचिन, वो देखो, वो नाम घुमा। चल जल्दी, 3% गैस रिलीज हो चुकी है। सलीम जिम्मे, गैस रिसनी बंद हो गई। क्यों, क्या ये सब? पैसों के लिए मुझे एक टेररिस्ट ग्रुप ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो गैस लीक कर देने के लिए, ताकि हजारों लोग मारे जाए। बात घटिया आदमी हो तुम, पैसों के लिए मासूम लोगों की जान लेने चले थे।
अमन और विनोद को क्यों मारा? विनोद मौके पर घबरा गया था। हाँ, घबरा गया। हजारों लोगों के मौत का प्लान सुनकर बौखला गया। यहाँ तक कि काम करने से भी इनकार कर दिया। अरे वो चिप भी, कुछ चिप भी छुपा दी इसने। मैंने मार डाला उसको, आप मार डाला अमन को भी। पर पति, उसको क्यों किडनैप किया? वो पेन जिसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, विनोद ने गिरा दी प्रतीक से टकराने के बाद, और प्रतीक ने उस पेन को उठा लिया था। इसलिए तुमने प्रतीक के घर की तलाशी भी ली। मेरा बस चले तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूं और वो गैस छोड़ दूं, और तुम तड़प तड़प के मर जाओ। और क्या करूं, कानून से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ले जाओ इसे। बहुत बहादुर बच्चा है प्रतीक। थैंक यू वेरी मच सर, सीआईडी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूं और क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। बेटा वापस ले आए आप। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज था। और विष्णु, थैंक यू वेरी मच, तुमने शहर के लोगों की जान बचाई है। न जाने कितने मासूम लोग मारे जाते उस खतरनाक गैस से। बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। अरे नहीं सर, सीआईडी की मदद करना तो हम सबका फर्ज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उस हॉन्टेड मॉल में भी ऐसी ही बहादुरी दिखाई होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।